नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एच में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपके द्वारा पूछा जाने वाला पहला प्रश्न, आखिर ट्रेन के डिब्बे अलग अलग रंगों के क्यों होते हैं? दरअसल भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हर रोज लाखों लोग ट्रेन का सफ़र करते हैं, आपने भी जरूर किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि ट्रेन के डिब्बे अलग अलग रंगों के क्यों होते हैं और इनका क्या मतलब होता है? दरअसल आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ट्रेनों के डिब्बों का रंग नीला होता है। दरअसल इन डिब्बों का मतलब होता है कि यह ICF कोच है, यानी कि इनकी रफ्तार 70 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही हो सकती है। ऐसे डिब्बे मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेनों में लगाए जाते हैं। ICF वातानुकूलित AC ट्रेनों में लाल रंग के डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस। हरे रंग के डिब्बों का इस्तेमाल गरीब रथ ट्रेन में होता है, वहीं भूरे रंग के डिब्बों का उपयोग मीटर गैस ट्रेनों में होता है। दरअसल बिली मोरा बगाई पैसेंजर एक नैरो गेज ट्रेन है जिसमें हल्के रंग के कोच का उपयोग होता है। हालांकि इसमें भूरे रंग के कोच का भी उपयोग किया जाता है। कुछ रेलवे जोन ने अपने स्वयं के रंगों को नामित भी किया है, जैसे कि मध्य रेलवे की कुछ ट्रेनें सफ़ेद, लाल और नीले रंग की योजना का पालन करती है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला दूसरा क्वेश्चन, क्या सच में ही भूत होते हैं? दोस्तों यह सवाल आपने बहुत बार पूछा है, तो हमने सोचा चलिए इसका जवाब आज आपको दे देता है। दरअसल अक्सर हमने सबने इस बात की बहुत चर्चा सुनी है कि भूत होते हैं या फिर नहीं होते। कुछ लोग इसे महज वहम या फिर मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, तो फिर कुछ लोग यह मानते हैं कि भूत सच में होता है। दरअसल भूतों का विषय इंसानी समाज में एक बेहद ही रोमांचक और डरावना विषय है, जिस पर हर किसी की दिलचस्पी होती है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भूतों को लेकर कई तरह की बातें की जाती है और समय समय पर भूतों को लेकर कई बातें सामने आती भी रहती है। भूतों के विषय पर बॉलीवुड, हॉलीवुड समेत दुनिया भर में कई फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि क्या सच में भूत होते हैं या नहीं होते। आखिर क्या है भूतों पर वैज्ञानिकों की राय, पहले ही वो जानते हैं। दरअसल भूतों के विषयों पर वैज्ञानिकों ने खोजें की है, लेकिन अफसोस किसी भी वैज्ञानिक को इस विषय पर कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि इस दौरान वैज्ञानिकों ने यह जरूर कहा है कि दुनिया में हर 10 में से 6 लोगों को भूतों पर विश्वास है और हर 10 में से 4 लोगों ने भूतों को देखने की बात भी कही है। वैज्ञानिकों में भी भूतों को लेकर अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिक इसे सिर्फ वहम मानते हैं, तो फिर कुछ इसे नेगेटिव एनर्जी मानते हैं जिसे भूत कहा जाता है। वैज्ञानिकों को भूतों के विषयों पर अब तक कोई ठोस सबूत नहीं हाथ लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने यह जरूर कहा है कि मरने के बाद भी जीवन है और आत्मा अमर है। दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि हिंदू धर्म में भूतों की क्या मान्यता है। दरअसल हिंदू धर्म के मुताबिक भूतों का अस्तित्व होता है और वो संसार में है। हिंदू धर्म में भूतों का सबसे बड़ा सबूत हनुमान चालीसा में मिलता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, भूत पिशाब निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंसान के कर्म उसके भूत बनने या फिर मोक्ष का रास्ता तय करते हैं। अगर इंसान बुरे या गलत काम करता है तो उसे भूत बनना पड़ता है, और अगर वो अच्छे काम करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भले ही भूत पर विज्ञान और इंसानी मान्यताओं में अलग अलग विचार हो, लेकिन इतना तो तय है कि हर धर्म में भूतों की व्याख्या या फिर उनका जिक्र जरूर किया गया है। अक्सर हम यह बात सुनते हैं कि उस शख्स ने वहाँ भूत देखा। भले ही आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हो, लेकिन भूतों का विषय इंसानी सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर अब तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग इसके इंसानी दिमाग का बहम भी मानते हैं, तो कुछ इसके विपरीत सच मानते हैं। वैसे भारत के राजस्थान में बालाजी नाम का एक मंदिर भी है जहां भूतों का इलाज किया जाता है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला तीसरा क्वेश्चन, कैंसर के मरीजों के बाल काट क्यों दिए जाते हैं? दरअसल कैंसर एक असाध्य बीमारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कैंसर के मरीज को जानलेवा दर्द से गुजरना पड़ता है। कैंसर के मरीजों को आपने देखा होगा, तो एक बात गौर जरूर की होगी कि उनके बाल काट दिए जाते हैं।
कुछ ही महीने या साल पहले बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने अपनी एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी जिसमें उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। हालांकि इसके बाद उन्होंने विग पहनने की भी काफ़ी सारी फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। अब सवाल मन में यह उठता है कि आखिर कैंसर मरीजों के बाल काट क्यों दिए जाते हैं, तो चलिए आज इसका जवाब जान लेते हैं। दरअसल कैंसर मरीजों को कई दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, दर्द से राहत के लिए उसे कई तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और दवाइयां भी दी जाती है। इन दवाइयों का मरीज के शरीर पर साइड इफ़ेक्ट होता है जिसका सबसे ज़्यादा असर बालों पर पड़ता है और बाल झड़ जाते हैं। दरअसल कीमोथेरेपी कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर सेल को नष्ट करते हैं। इस थेरेपी में जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उससे बाल झड़ जाता है। इसके साथ ही मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी बाल काट दिया जाता है। इसके अलावा बाल झड़ने की समस्या कम करने के लिए कुछ प्रकार के कीमोथेरेपी उपचारों हेतु स्केल कूलिंग का प्रयोग भी किया जाता है जिसमें बाल पूरी तरह से काट दिए जाते हैं। आपके द्वारा पूछा जाने वाला चौथा क्वेश्चन, अधिकतर जैनी लोग आलू क्यों नहीं खाते हैं। दरअसल जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च माना गया है। आलू प्याज लहसुन आदि कंदमूल में आते हैं और आप सभी जानते होंगे कि कंदमूल जमीन के नीचे रहते हैं, उन पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। इसी कारण से जमीन में उगने वाले कंदमूल में अनंत बहुत सारे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। प्याज और लहसुन को तो हिंदू धर्म में भी अभक्ष्य यानी कि ना खाने योग्य बताया गया है। भगवान महावीर स्वामी जी ने छोटे से छोटे जीवों पर भी करुणा और दया की बात कही थी। उनका नारा था कि जियो और जीने दो, इसलिए ज़्यादातर जैनी लोग आलू नहीं खाते हैं। आपके द्वारा पूछा जाने वाला पाँचवा क्वेश्चन, महिलाएँ हाई हील क्यों पहनती है। दरअसल ऊंची एड़ी के जूते एक प्रकार का जूता ही होता है जिसमें पैर की उंगलियों की तुलना में एड़ी जमीन से काफ़ी ऊंची होती है। यह जूते जमीन से पैर की रक्षा करने या चलने की दक्षता में सुधार करने से परे है। महिलाएं हाई हील अपने शारीरिक ऊंचाई को बढ़ाने और चलने के समय आकर्षित लगने के लिए पहनती है। हाई हील में महिला और भी ज़्यादा आकर्षित लगने लगती है। ऊंची एड़ी फैशनेबल है लेकिन असुविधाजनक भी है और जहाँ तक कि क्रोनिन फुट डिमेज भी हो सकता है। लेकिन अगर ऊंची एड़ी के जूते पहनने से महिला अधिक आकर्षित बनती है तो उन्हें बड़ी संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले पुरुषों पर अधिक ध्यान देने की अनुमति मिल जाती है जो उनके ध्यान में आने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह इस फैशन स्टेटमेंट्स के विकासवादी फायदे भी समझा सकता है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला छठा क्वेश्चन, वेनेजुएला देश में पैसे गिनकर नहीं तोल के क्यों दिए जाते हैं। दरअसल हम जब भी किसी को पैसे देते हैं तो फिर उसे गिनकर ही देते हैं, बिना गिने किसी को पैसे नहीं दिए जाते हैं चाहे वो कितने भी हो। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जगह ऐसी है जहां पर पैसे गिनकर नहीं दिए जाते बल्कि उन्हें तोलकर दिए जाते हैं। जी हाँ, इतनी महंगाई में भी इस देश में लोग पैसे गिनकर नहीं बल्कि सामान के बराबर तोल के देते हैं। तो आज हम उस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी महाद्वीप का यह देश वेनेजुएला है। करीब 3 करोड़ की आबादी वाले वेनेजुएला में इस संकट की जड़ें 2014 तक जाती है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 2/3 तक की गिरावट आ गई थी। इससे वेनेजुएला की आय पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था। इसी का नतीजा है कि लोगों को पैसे तोलकर मिलते हैं जैसे कि कोई सामान लिया जा रहा हो। आपको बता दें कि दुनिया में तेल के सबसे बड़े भंडार यहाँ पर है, लेकिन बीते 2 सालों के दौरान तेल की बिक्री से होने वाली वेनेजुएला की आमदनी करीब 40% घट गई है। इसका असर उसकी मुद्रा बोलवर पर भी पड़ा है जिसकी कीमत लगातार गिरती जा रही है। वेनेजुएला की करेंसी इतनी गिर गई है कि कई जगह नोट गिन के नहीं बल्कि तोल कर लिए जा रहे हैं। लोग अपने किचन का सामान भी बहुत पैसे देने के बाद ही खरीद पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।